हिरासत में मौत के बाद दो पुलिस अधिकारी निलंबित। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश का अनुकरण करते हुए सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पंचायतनामा करवाया गया, उसके बाद पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया गया जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। उन्होंने बताया कि इसमें वादी की तरफ से जो भी तहरीर आएगी उसके आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा। जन्माष्टमी पर मां ने नहीं दिए पैसे तो नाबालिग ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। एक नाबालिग लड़की ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी मां ने उसे जन्माष्टमी के दिन पैसे देने से मना कर दिया था। घटना दिल्ली के अमर विहार की है। पुलिस अधिकारी के अनुसार फांसी लगाने वाली नाबालिग की उम्र 12 साल है। केरल में रेप के बाद प्रेग्नेंट हुई सातवीं की छात्रा, आरोपी शिक्षक फरार। उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक स्कूल के एक शिक्षक ने छात्रा से कथित तौर पर बलात्कार किया है। सातवीं कक्षा की 12 वर्षीय छात्रा अब गर्भवती है। पुलिस ने बताया कि मामले के सामने आने के बाद शिक्षक गायब हो गया है जिसकी उम्र करीब 30 साल है। तीन बहनों को किडनैप कर फिरौती मांग रहा था फर्जी दरोगा, पुलिस ने धर दबोचा। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने तीन सगी बहनों का अपहरण करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस की चंगुल में फंसा अपहरणकर्ता खुद को दिल्ली पुलिस का दरोगा बताकर मोटे रकम ऐंठने की जुगत में था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तीनों बहनों को भी सकुशल रिहा करा लिया है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।